आप सब खैरियत से होंगे, आबाद होंगे, खुशहाल होंगे, अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह खुश होकर रम रखे। सो दिस इज योर होस्ट फरियाल एंड आई एम फ्रॉम हैदराबाद पाकिस्तान। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, उसे रहने दो, बस जाओ। हो गया, आप नहीं होगी, ट्राइपॉड नहीं लाना, बहुत मुश्किल से सेट किया, उधर से जाओ उस तरफ भी दिखाओ, मैं पीछे से बस नीचे से जी। ओ सॉरी, अपना अपना इंट्रो करवाओ भाई, सब जानते ही हम लोग बहुत दिनों बाद साथ में वीडियो बना रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, और कोई बात नहीं है। तो आज की हमारी वीडियो है 30 सेकंड चैलेंज। हमारे पास ये एक बॉल है, इसके अंदर बहुत सारी पर्चियाँ हैं, या फिर 9 या 10 पर्चियाँ हैं, तीनों को 3-3 टर्न मिलेंगी, और 30 सेकंड में जो भी वर्ड आना है उसके बारे में बोलते जाना है, बस एनी हाउ बोलना है, एनी हाउ बोलते रहना है। तो ये मेरी बहन फायजा है, और ये मेरी बहन कहाँ है, ये मेरी बहन फरिया है। फरिया की एक बात बताती हूँ, फरिया ना, फरिया चीटर है। फरिया और मेरा जो एक वो चैलेंज हुआ था, कौन सा नहीं बताऊं, कौन सा था वो जो हमने किया था, आंखों पे पट्टी बांध के हमें बस फील करके बताना था, क्या नाम था उसका, थोड़ी पीछे हो क्या, उसका नाम क्या था पता नहीं उसका क्या नाम था, मैं भूल गई हूँ। उस चैलेंज में जो है फरिया ने चीटिंग की थी, फरिया के लिए मुझे नजर आ रहा था उस चैलेंज में, आप लोगों में से भी किसी ने नहीं देखा कि ये चीटिंग कर रही है, उसको नजर आ रहा था। लेकिन आज ये चीटिंग नहीं कर सकते, आज बस 30 सेकंड में जो भी वर्ड आए वो बोल देना है। फायदा अपने मोबाइल में टाइमर लगाओ, ओगी है हमारे सामने पागलों की तरह खेल रहा है, ये हैंकरी के पास आया, ओगी चलो चलो चलो, टाइमर 30 सेकंड बस लगा। अभी नहीं, जब मैं कहूँ तब स्टार्ट करना। तो सबसे पहले टर्न है फरिया की, जल्दी लो फरिया, चलो जल्दी से बता। पागल हो गई है, दोनों बहुत दिनों बाद आएंगे ना कैमरा में, इसलिए खोल के दिखाओ चीटर। आमिर लियाकत, यहाँ देखो लिखा हुआ है आमिर लियाकत। तो अब मैं 30 सेकंड स्टार्ट कर रही हूँ इसको, आमिर लियाकत के बारे में, फायदा आप थोड़ा पीछे होगा फरिया मेरे को सामने, आमिर लियाकत के बारे में बोलते जाना है। ये क्या हमने कुछ होता है फिल्म से कॉपी किया। स्टार्ट। आमिर लियाकत हर रमजान में उनका आता है शो, रमजान का स्पेशल शो आता है इसके। अरे बोलो बोल, इसके अलावा उन्होंने अभी दूसरी शादी भी कर ली है, तो वो आमिर से उसके बाद उनके बहुत ज़्यादा, उनकी पहली वाइफ के बहुत ज़्यादा ट्विटर पे ट्वीट्स भी आए थे, ये वो बहुत बदनाम भी हो चुके हैं इस उनकी दूसरी शादी की वजह से, लेकिन फिर भी उनके पास नॉलेज बहुत है, इसलिए हमारे घर में वो सबको अच्छे लगते हैं, वो बातें बहुत अच्छी बताते हैं, और उनके पास नॉलेज तो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए हम सब उनको देखते भी हैं, और उनका शो तो खास तौर पर रमज़ान में आ रहा होता है, तो फिर हम लोग बदामी का शो छोड़ के और इनका देखते हैं। सही है हो गए देखो कौन सी थी फरिया, आपने इसमें क्यों रखा, नहीं मैंने हमेशा कोई अच्छा फायसा की टर्न है, उठा लो कोई भी, इंटरनेट फायदा का है, इंटरनेट करीब आओ फरिया साइड में, दोनों आगे निकल जाओ, कांट लीव विदाउट इंटरनेट, रुक जाओ अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, हो गया स्टार्ट हो गया चलो। हाँ तो इंटरनेट के बिना आजकल कुछ भी नहीं है, और दूसरा ये कि कभी घर में वाईफाई बंद हो जाता है तो सब इस तरह से बैठे हुए होते हैं जैसे बस क्या हो गया है, और इंटरनेट के बिना आजकल ना पढ़ाई हो सकती, क्योंकि हर चीज़ पढ़ाई से लेनी होती है ऐसा कुछ, और हाँ हर चीज़ पढ़ाई यूनिवर्सिटी लेवल में ऐसा कुछ, तो टीचर के अचार डालने के लिए, हाँ यूनिवर्सिटी में टीचर अचार डालने के लिए, बोलो बोलो आपका टाइम खत्म हो गया, अजीब
बाद जो मुंह बना के खा लिए। अब मेरी बारी है, इंटरनेट वाली पर्ची का है वो मेरे थे, फेंक दे सही है। अब मेरी बारी है, ये तो ऐसे ही करती मैं उठा लेती हूं। ये क्या हो रहा है पहले डॉक्टर सच्चा का इमरान खान आया है मेरे में, स्टार्ट करते हैं। इमरान खान पाकिस्तान का वो हुक्मरान है जिसने आज तक ना कोई झूठ बोला है, जिसने आज तक ना ही एक रुपए की करप्शन की है, लेकिन फिर भी ये आवाम वो है जो कि उसको इस आवाम को रास नहीं आ रहा है इमरान खान। और न्यूज़ भी चल रही है कि इमरान खान कह रहे हैं कि मैं ये हुकूमत छोड़ दूँ, ऐसा कुछ इमरान खान कह रहे हैं। उनकी सीट की वजह से शायद हमारी अम्मी हमें बता रही थी, तो आवाम से गुजारिश है कि इमरान खान का साथ दो, जहालत का साथ मत दो, और उनकी हुकूमत को 5 साल होती है, हाँ 5 साल हो गया मेरे 30 सेकंड हो गए। आप इमरान खान फरिया जो चलो आपकी बारी है, बहुत इतरा ली, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी जल्दी उठाओ पैसे भेज जल्दी 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 आजकल के लड़के, एक मिनट बड़े फनी होते हैं। परिया के पास आया आजकल के लड़के, यार मतलब क्या टाइम मतलब क्या टाइम आजकल के लड़के पता नहीं कैसे होते हैं, मैंने तो अपने भाई को ही देखा लेकिन भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो बहुत तमीज़दार है, वो बहुत अच्छा है, अल्लाह नमाज वगैरह भी पढ़ता है, लेकिन ये आजकल के ज़्यादातर लड़के तो टिकटॉक में ही मसरूफ रहते हैं, टिकटॉक बनाते रहते हैं, ये करते रहते हैं इंटरनेट की वजह से, तो सब और हाँ बाजार में जगह जगह खड़े हुए मिलेंगे, पीछे से जाओगे तो माशाल्लाह माशाल्लाह की सदाएं बुलंद होती नजर आती हैं बाजार में, तो बहुत ही ज़्यादा होता है। सही है, पता नहीं क्या बोला इसलिए मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। फायजा आपकी फायजा उठाओ मुझे बहुत अजीब सा लगता है, मैं जब भी उसकी टिकटॉक देखती हूँ गंदी सी फीलिंग आती है, मतलब वो कैसा एक लड़का अल्लाह ताला ने उसे पैदा किया है, किस तरह से उसने बाल बढ़ा रखे हैं, वो ड्रेस से और वो जिस तरह से डांस करता है बहुत गंदा मुझे लग रहा होता है। लड़कों को होना नहीं चाहिए, लड़कों को अगर लड़का पैदा किया अल्लाह ताला ने तो वो लड़का ही बन के रहेंगे, क्या वो डांस कर रहे हैं आपको नसीहत करने के बारे में बता रहे हो, मुझे अच्छे नहीं लगते ऐसे लड़के, मुझे लड़के लड़के ही अच्छे लगते हैं, लड़की बन के लड़के लड़के ही अच्छे लगते हैं, लड़कों को लड़की बनने की कोई जरूरत नहीं है, इस बात के मैं भी खिलाफ हूं। लेकिन एलेक्स भट्टी की जो वीडियो थी अब मेरी बारी है नेक्स्ट। ओगी आया है मेरे पास, ये देखो टाइम स्टार्ट ना होगी, ओगी 1 महीने का था जब ओगी मेरे पास आया, और अब 28 डेट आज हो गई है, तो ओगी 2 महीने का हो गया है, सिर्फ 1 महीना अभी ओगी मेरे पास रहा है, इसमें ओगी ने 3 चक्कर डॉक्टर के लगा लिए हैं, और ओगी बहुत शरारती बिल्ला है, बहुत ज़्यादा शरारती बिल्ला है, लेकिन ओगी से पहले हमने जो बिल्ली पाली थी वो मासूम थी उसके लिहाज में, या उसके मुकाबले में ओगी बहुत शरारती है, लेकिन टॉम भी अच्छी थी, लेकिन ओगी बहुत शरारती है, और ऑब्वियसली ओगी बिल्ला है शायद इस वजह से शरारती, टॉम बिल्ली थी, और ओगी फायदा में मिलता है ओगी को फायदा मिला है, एज फ्रेंड का भी ना हो गया अब आपकी बात करिए, जल्दी आओ नहीं ये लास्ट है ना, बेस्ट फ्रेंड आया है फरिया के लिए, टाइम स्टार्ट्स नाउ। बेस्ट फ्रेंड के साथ बहुत मजे करते हैं स्कूल में, बहुत मजा आता है हर चीज में, फ्रेंड्स के साथ तो वैसे ही मजा आता है, और मोस्टली जो और सबसे ज्यादा हंसी आती है वो भी फ्रेंड्स के साथ ही आती है, ये वो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा करती है बेस्ट फ्रेंड होने का, इससे मेरा कतई गुस्सा मैं आज इस बात का ऐलान करती हूँ, जब ये मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे स्कूल में मेरे साथ होती है। फरिया का हो गया, फरिया कह रही है कि फायजा इसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, फरिया जो है अपनी पिक्चर्स निकाल के फायजा को देती है कि ये मैं तो ये पिक्चर अपने स्टेटस पर लगाओ और उसके नीचे लिखो बेस्टी, ये मुझे इसके फरिया चाहती है फायजा उसकी बेस्ट फ्रेंड बने, फायजा मेरी बेस्ट फ्रेंड बहुत है, मुझे इसकी नीड नहीं। अब फायजा आपकी बारी है, हमको सिखाओगी साहिल लोधी फायदा का आया साहिल लोधी टाइम स्टार्ट्स नाउ। वही बात हो गई कि
शाहरुख खान बनता है। हाँ वो है, उसका एक गाना मुझे बहुत पसंद है। सही है, मतलब अच्छा होस्ट है, पर बदनाम पता नहीं क्यों है। जब जिस जमाने वो बदनाम हुआ होगा, उस जमाने में शायद हमें होश नहीं था, क्योंकि हमने जब से होश संभाला उसे बदनाम ही देखा। क्या किया उसने, कुछ भी नहीं किया। अच्छा होस्ट है, सही है, कभी थोड़ी थोड़ी उसमें लड़कियों जैसी है, हाँ थोड़ी थोड़ी है, बस थोड़ी बस। फायदा का टाइम ओवर, ये लास्ट रहेगा ये अब, और ये मेरी है, और इसमें आया ये किसने की है, मैंने नहीं बनाई थी ये, फरिया ने बनाई थी। चलिए लास्ट आया है हमारे पास भैंस, तो टाइम स्टार्ट। पानी में नहाना भैंस की याददाश्त, पहले एक नॉलेज वाली बात, भैंस की याददाश्त जो है वो सिर्फ एक दिन की होती है, एक दिन से ज्यादा भैंस को कुछ याद नहीं रहता। लेकिन खा सकते हैं क्योंकि हलाल जानवर है, और भैंसों के बाड़ी से बहुत गंदी बदबू आती है। बचपन में दूध लेने जाते थे, अल्लाह तौबा, शुक्र मेरा टाइम हो गया। तो बहुत दिनों बाद ये दोनों आई हैं, तो इसलिए थोड़ी सी पागल हो गई हैं, इनकी मस्तियों को अगर इग्नोर कर। ये जैसी नजर आती है वैसी है, आप देखो कैसे शरीफ बन के बैठ गई हैं। आप देखो जरा फैसे, इसको तो चुप करो, करता जा रहा है ये लोग। ये क्या नाम से फरिया जैसी अभी नजर आ रही है ना कैमरे के पीछे, ये बहुत अजीब मटांग सी हरकतें कर रही थी, एलेक्स भट्टी जैसी मखलूक है फरिया। तो नहीं तो आपका बस अगर आप लोग चाहते हैं कि ये दोनों और आती रहे वीडियोस में, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज इसका नकाब, आप लोगों से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।